आई होप आप अच्छे होंगे और एंजॉय करते होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली रेसिपी। हमारी अगली रेसिपी का नाम है सूरत की भजिया और माठ के पत्तों की भजिया। आपने नाम तो सुना होगा बट आपने कभी खाया नहीं होगा और नहीं बनाया होगा, क्योंकि हम हमेशा प्याज की भजिया, आलू की भजिया या फिर मूंग दाल की भजिया हम घर पर भी बनाते हैं और बाहर मार्केट में भी खाते हैं, बट ये नहीं मिलती आसानी से। तो आज देखिए आप किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ, कल आप बनाइए और खाइए। ये है माठ के पत्ते। दो कटोरी बेसन डालना है, दो चम्मच हल्दी, दो चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच हींग, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, प्याज और कोरिएंडर लीव्स। मिक्स करेंगे अच्छे से। बैटर रेडी हो चुका है। दो कटोरी बेसन लेंगे, नमक डालेंगे, एक चम्मच हल्दी डालेंगे। इसका भी हमें थिन बैटर बनाना है। बैटर रेडी है। माठ के पत्ते को हम डिप करेंगे और पैन में डालेंगे। ये रेडी हो गए हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। अभी सूरन का बैटर हम डालेंगे। ये भी रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। सूरन की भजी और माठ के पत्तों की भजी हमारे रेडी है।